हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन की। तो दोस्तों, आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं किशमिश। तो दोस्तों, जिसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो अंगूर। आजकल मार्केट में बहुत बहार है दोस्तों अंगूरों की, तो आप इस तरह से ले आइए और अपने घर पर साफ़ सुथरे ढंग से किशमिश बनाइए। दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए आपको अंगूर जो है अच्छी क्वालिटी के लेने पड़ेंगे। अंगूर जो है टाइट होने चाहिए, बिल्कुल भी दाग वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी किशमिश जो है अच्छी नहीं बनेगी और सारे अंगूर जो हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने इस अच्छे से अंगूर लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के अंगूर लेने हैं। तो मैंने ये आधा किलो अंगूर लिए थे। मैंने लंबी वाली किशमिश बनानी है, इसीलिए मैंने लंबे वाले अंगूर लिए हैं। अगर आपको छोटी वाली किशमिश बनानी है तो आप छोटे वाले अंगूर ले सकते हैं। तब हमें क्या करना है, हम इस तरह से ख़राब अंगूरों को निकाल देंगे, गुच्छे में से अंगूर अलग से कर लेंगे। ये जो भी ख़राब अंगूर है उसे हम हटा देंगे। ये देखिए, हमने साफ़ सुथरे अंगूर ले लिए हैं। अब इसे वॉश करेंगे। एक मिनट तक आप इसे पानी के अंदर इस तरह से रख देना ताकि अच्छे से ये वॉश हो सके, इनके सारे जो भी डस्ट है वो निकल जाएगी। फिर हमें दो तीन पानी से इसे धो लेना है। जब तक हमने पानी के अंदर अंगूरों को रखा है, तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। एक पतीला लेंगे और उसमें डेढ़ गिलास के करीब पानी का डालेंगे। दोस्तों, हम इसे उबालेंगे नहीं, हम इसे स्टीम करेंगे, क्योंकि उबालने से क्या होता है ना कि इसमें जो भी मिठास होती है अंगूरों की वो निकल जाती है, और जब ये किशमिश बनेगी तो इसकी मिठास जो है कम हो जाएगी। अब इस तरह की हम क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे जिसमें छेद होते हैं। आपके पास अगर प्लेट है तो आप वो ले सकते हैं, या इस तरह की छलनी तो सभी घरों में होती है। तो हमने सारे अंगूर इसके अंदर डाल दिए हैं। अंगूर इस तरह से डालने की इस प्लेट के अंदर अच्छे से टच हो जाएं। एक के ऊपर एक हमें नहीं रखने, बाकी के बच्चे अंगूर हम बाद में इसी प्रोसीजर से करेंगे। अब मैंने इस पतीले के ऊपर इसे रख दिया, इसे ढककर हम रख देंगे। अब इसे स्टीम होने देंगे हम। उबाल आने के बाद आपने मीडियम गैस कर देना है। दस मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। इनका कलर भी चेंज हो चुका है, अब इनमें एक दरार सी आ चुकी है। अब हमारे सारे अंगूर पक चुके हैं। अब मैं इसे उतार लूँगी। अब मैं एक प्लेट लूँगी और सारे अंगूर इसके अंदर डाल दूँगी ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। फिर हम इसे धूप में डालेंगे और बाकी के अंगूर भी हम इसी तरह से कर लेंगे। जब तक हमारे ये अंगूर होंगे तब तक हम ये वाले अंगूर जो हैं वो धूप में डालकर आ जाते हैं। इस तरह से आपने कॉटन का कपड़ा लेना है, आपने किसी पॉलीथीन में इसे नहीं डालना है, क्योंकि कपड़े में जो है इसका सारा पानी जो अच्छे से सूख जाएगा और ये नीचे से भी अच्छे से सूख जाएंगे। अब हमें इसे दो से तीन दिन तक धूप लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमें खुला खुला इसे डालना है, धूप अच्छी लगनी चाहिए दोस्तों। 3-4 घंटे के बाद आपने इसको ढक के रख देना है ताकि इसमें कोई भी मिट्टी ना गिरे। इस तरह से हम खुले खुले कर देंगे। जब हमारे वो वाले अंगूर आ जाएंगे तो हम वो भी इसमें डाल देंगे। 2-3 दिन हमें इसे धूप लगवानी है। इस तरह से मैंने इसे ढक के रख दिया था। ये देखिए, मैं आपको शाम को दिखाती हूँ कि हमने एक दिन की धूप लगाई है। देखिए कितनी अच्छे से बन चुकी हैं। अभी इन्हें हमें एक दिन और धूप लगवानी है। अभी तो ये एक दिन की धूप लगी है फ्रेंड्स, तभी भी ये कितने अच्छे से हो गए हैं। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सुबह हम फिर से इसे धूप लगाएंगे। ये मैं आपको 3 दिन के बाद दिखा रही हूँ कितनी अच्छी हमारी किशमिश बनकर तैयार हो गई है। आधा किलो से हमारी कितनी अच्छी किशमिश बनी है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी, और इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो उसमें कितनी मिट्टी होती है आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो। किशमिश हमारे कितने काम आती है, खीर में, हलवे में, हम सब जगह इसका उपयोग करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों। अब जब भी अंगूर सस्ते हों तो आप इस तरह से ला के रख लीजिए और ढेर सारे अंगूर बनाइए, और पूरे साल के लिए आप इसे जिप लॉक बैग में भरकर स्टोर करके आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये काले भी पड़ सकते हैं, इसलिए आपने किसी पॉलीथीन में या फिर जिप लॉक बैग में इसको रखना है। और अब आप इस तरह से किशमिश बना सकते हैं बिना उबाले। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।